गुड मॉर्निंग गाइज। तो जिसलिए मैं बैंगलोर आया था, जिस इवेंट के लिए आया था, वो इवेंट और थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। इट्स 8 नाउ और जैसे कि उनका आइटनरी है 9:30 अराउंड वो स्टार्ट होगा। तो लेकिन जो जगह है यहाँ से जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, वो होटल से अराउंड 35-40 किलोमीटर्स दूर है और गूगल में दिखा भी रहा है कि 40 मिनट का रास्ता है। तो मुझे फटाफट ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ मिस भी कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं सीए संतोष से मिलने के लिए। सीए संतोष को तो आप लोग जानते ही होंगे, इज अ लेजेंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। मुझे ऑफ रोडिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे वहाँ पे तो ऐसा कोई ट्रैक है नहीं। एक बार कावासाकी ने एक इवेंट किया था, तो उस इवेंट में मैं काफ़ी टाइम तक मोटोक्रॉस बाइक है उसको मैं चलाया था, मुझे काफ़ी मज़ा भी आता। ऐसा कोई इवेंट हमारे वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो डेफिनेटली मैं रेडबुल वालों से बात करूँगी हमारे ओडिशा में भी एक ऐसा कोई इवेंट स्पॉन्सर करने के लिए, ताकि हम लोग को भी थोड़ा बाइक चलाने के लिए मिल जाए। मुझे भी बड़ा मन हो रहा है कि थोड़ा मुझे भी कोई बाइक दे दो, मैं भी थोड़ा चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे सब प्रो लोग आए होंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट निकलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हैविंग ग्रेट टोस्ट ऑमलेट एंड कॉफी। हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैब इज रेडी, और भी दो तीन जन लोग जाएंगे इधर। हां मैं आगे बैठ जाता हूं। हां बैठो। ऑल इन व्हेन आई शो अप होल प्लेस अबाउट टू ब्लो अप सुपीरियर टू दैट कंपटीशन आई एम इन फर्स्ट प्लेस शिट एज आई एम लिविंग आई एम विद इट टिल दे डिगिंग अप माय ग्रेव ईटिंग ऑल द थिंग्स अप ऑन माय प्लेट game face when I step up in the place I was born and when I watched the other face तो बड़ा मन कर रहा है यार अंदर जाऊँ थोड़ा गाड़ी चला लूँ। ये जो ट्रैक है एकदम बढ़िया तरीके से बनाया गया है एंड देयर इज अ होटल। ओ ओ ओ ये फंसेगा, ये फंसेगा, ये फंसेगा। बाइक्स है वो पिट स्टॉप है वीवो की तरफ से, ये सारे जितने के सर आप देख रहे हो। मज़ा आ गया। फर्स्ट जो क्वालिफायर राउंड था वो ख़त्म हो गया है एंड लास्ट में बस दो तीन बाइक से घूम रहे हैं यहाँ पे अभी। शायद वो लोग भी अपना जो फिनिश लाइन है उसको बस क्रॉस करना है उनको। वाह। तो ये जो आप टेंट देख रहे हो ये हीरो का टेंट है और बाकी राइडर सब रेडी निकलने के लिए। ये पूरा रेड बुल का काउंटर यहाँ पे, सबका अपना अपना अलग से पिट स्टॉप है, सब अपने टेंट है। चारों तरफ बस बाइक्स बाइक्स बाइक्स। बचपन में ना ऐसे मतलब कभी कभी खाया रहा था कि मैं भी कभी ऐसे रेस करूँगा ना, कभी ऑफ रोड वाला रेस कभी सोचा नहीं था। उसके लिए वैसा बॉडी चाहिए, वेट बहुत मैटर करता है एंड बहुत
स्किल चाहिए। रोड पे चलाना, सर्किट पे चलाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो ऑफ रोडिंग हो रहा है ये काफ़ी टफ है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आपको और भी बहुत सारे फुटेजेस में दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पे। एक हेड बैंगर है, आप देखे हुए टायर लटका हुआ है और उसमें उनको डक करके जाना पड़ रहा है। बीच बीच में टायर्स भी रखा गया है एंड एक एक जगह में बहुत बड़ा बड़ा वो रैम्प बनाया गया है। इट्स नॉट दैट ईजी, थैंक्स टू रेड बुल कि उसने इतना अच्छा इवेंट को मतलब ऑर्गेनाइज किया है। हम चाहते हैं कि उड़ीसा में भी एक ऐसा कोई इवेंट डेफिनेटली कीजिए। कर्नाटका केरला में मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे बाइकर्स मिल जाएंगे आपको, मोटोक्रॉस राइडर्स उड़ीसा में भी हैं, और थोड़ा प्रमोशन उड़ीसा को भी चाहिए। उड़ीसा में अगर हम लोग ऐसा कोई इवेंट करेंगे तो डेफिनेटली और बहुत सारे राइडर्स निकलेंगे। अभी जो मेन फाइनल रेसिंग होगा तब मज़ा आएगा। When I step up in the place, I was born and when I watched the other face. आप लोग देख सकते हो क्रैक काफ़ी बड़ा है, एक एक क्लैप 2 किलोमीटर का होगा। गेस अमेजिंग। Is in the second spot because competition number 24 Archie Bike has torn. सिच ये होता है अगर गाड़ी आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। देन आराम से फिर से बंद हो गया बेचारे का। सो पाजी आए हैं पंजाब से, दयाकरण ब्लॉग्स बोल के उनका एक चैनल है यूट्यूब पे। बेसिकली मैं एक ट्रैवलर और ऑटोमोबाइल के ब्लॉग्स बनाता हूँ अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं जाके। बात हो रही है खाने की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ जब मिलता हूँ। लास्ट ईयर रशिया में था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, तो वहाँ पे नॉन वेज या वेज कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने 9 दिन सब्वे और मैकडोनल्ड्स ही खाया। तो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ये यही कुछ मिलेगा खाने के लिए, तो ये बोल रहे तू वेज है। वेजिटेरियन में वही मिलेगा अगर
बाहर जाओगे तो वही सब पर लेकिन मिलना भी डिफिकल्ट है ना, मतलब हाँ मतलब वहाँ पे रशिया में क्या था, हाँ मिल नहीं रहा था वहाँ पे, लोग वाइन्स वगैरह सारा कुछ, आई एम टोटली वेजिटेरियन। पाजी के चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, उनका चैनल में देखा था धोनी का एक गाड़ी के बारे में। वैसे यहाँ पे शो हो रहा है मेरा चैनल, तो आप लोग जा सकते हैं। तो आपको कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगी प्रॉपर 4x4 की, भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक मैं लाइफ में पहली बार एक बाइकिंग का इवेंट कवर कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, पहली बार विटनेस कर रहा हूँ। तो वीडियो मतलब आप तो टीवी वगैरह तो देखे है, एक बार मैंने किया था, वो भी बहुत छोटा इवेंट था, बड़ा इवेंट था। तो एक बंदे का सुबह सुबह यहाँ पे पाँव भी टूट गया, लाइक ऐसे भी इसमें इंसिडेंट्स होते हैं, कई कुछ होता है क्योंकि ये बाइकिंग का है, तो यहाँ पे कुछ भी जैसे आप स्टंटिंग देख रहे हो, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत कुछ है, तो जस्ट बी केयरफुल, ये आप ट्राई मत करना भाई, तो ये जस्ट प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, बाकी भाई आपको ज्यादा बता दे। अभी लंच टाइम है, इनके जो क्वालिफायर राउंड है वो खत्म हो चुका है, अभी जो सेमीफाइनल होगा उसमें 4 जन पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से जो 2 जीतेगा वो फाइनल में दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। इतने लैप्स हो रहे, मतलब मुझे लग रहा है कि 10-12 लैप तो नहीं है। नहीं नहीं इतने नहीं है, फर्स्ट में था इनके 4 लैप्स थे, क्योंकि 10 में लैप आदमी थक के मर जाएगा भाई। मैंने क्लिपिंग ली है, तो वहाँ पे क्या हुआ, बाइकर्स को प्रॉपर सांस चढ़ा हुआ, सांस चढ़ी, मैंने भी लिया, मैंने भी लिया, एक बंदे का गाड़ी बंद पड़ गया था, तो सांस चढ़ा हुआ, मतलब बहुत एनर्जी चाहिए डेफिनेटली, वो उसमें रेड बुल पीना पड़ेगा, मतलब मैं तो सुबह से 4 कुछ नहीं करती। सो 5 साल के बाद मुझे मौका मिला बैंगलोर आने के लिए, ये जो ट्रिप है ये लाइफ में मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसे अकेले कोई एक इवेंट पे मैं आया हूँ, नहीं तो नॉर्मली हम लोग सब साथ में ही जाते हैं, सुमन हम सब मिलके सब जाते हैं साथ में, तो कभी अकेले ट्रैवल करना भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे अकेले ट्रैवल करना चाहिए, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद को जानने के लिए, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो इवेंट, काफ़ी अच्छा इवेंट था, और आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स को मैं जाके खुद देखूँ और कैसे क्या होता है लाइव देखूँ, स्क्रीन पे वो मज़ा नहीं है, वो रियल में जो मज़ा है, जो वो एड्रेनल रश जो होता है अंदर गलता है, वो आपको कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज मैं निकल रहा हूँ वापस भुवनेश्वर, 3:50 को मेरा फ्लाइट था, लेकिन वो रीशेड्यूल होकर फिर 5:20 हो गया है, तो घर पहुँचते पहुँचते 7:38 हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा पैकिंग वैकिंग मेरा रेडी। सो ज़्यादा से थोड़ा बहुत शॉपिंग मैंने किया, अभी निकल रहा हूँ वापस एयरपोर्ट, टाइम टू से गुड बाय टू बैंगलोर। भुवनेश्वर में ये जो ट्रिप था वो काफ़ी मज़ेदार था, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, बहुत बहुत थैंक्स रेड बुल, शायद मैं 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये जितनी बार भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो रेसिंग इवेंट था, वो जो इवेंट में मैं था, मैं बता नहीं सकता कि मतलब मेरे गुजबम्स आ रहे थे, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, बहुत बार ऐसे गुजबम्स भी आ गए थे। और एक चीज़ हुआ जो कि मतलब मैं अभी बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, कल शाम को एक्चुअली ये बात मुझे पता चला जब मैं वापस आ रहा था भुवनेश्वर, हुआ है कि जो प्रिया प्रकाश वारियर आप लोग तो जानते होंगे, द विंग गर्ल, वो काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम,
वो भी कल वो उस इवेंट पे थी एंड वो जस्ट मेरे बगल में बैठी थी। सीरियसली ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं एक्चुअली वो रेसिंग इवेंट को थोड़ा कैप्चर कर रहा था, मैं इतना इवेंट में मैं घुस गया था कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाया। बाद में जब मैं देखा कि वो प्रिया प्रकाश वारियर थी तो मतलब बाद में बहुत रिग्रेट फील हुआ। काश मैं उसको ब्लॉग में ले लेता, आप लोग भी देख लेते। तब से सोच रहा हूँ यार मैं क्या कर रहा था, मतलब एटलीस्ट सबसे थोड़ा इंट्रैक्शन करना चाहिए था, एक वीडियो में भी थोड़ा हम लोग ले लेते तो अच्छा होता, थोड़ा उनका भी एक्सपीरियंस कैसा है वो भी पूछ लेते। बाकी सब बढ़िया रहा और आगे भी मेरे ऐसे दिमाग में ऐसा प्लान आया है कि ऐसे हम लोग उड़ीसा में भी कर सकते हैं और मैं भी अपने दोस्तों से बात करूंगा। और मेरे भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे कि वहाँ पे भी हम लोग ट्रैक बना सकते हैं, इस तरह का ट्रैक बना। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि उसके लिए पूरे एकदम प्रो वाले बंदे चाहिए। प्लान है कि एक छोटा सा ऐसे हम ट्रैक कर सकते हैं और ऐसा कोई इवेंट हम लोग कर भी सकते हैं। और मैं रेडूल वालों से यहाँ से ओडिशा में उनसे बात भी किया हूँ कि जैसे ही आया हूँ उनसे बात किया कि ओडिशा में मैं जगह दे दूंगा आपको और ट्रैक बना के भी दे दूंगा और बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे ऐसे ऑफ रोडिंग वाले, मज़ा आएगा, मतलब मज़ेदार वाला इवेंट होगा। मैं भी एक हफ्ते दो हफ्ते बाद मैं एक अनाउंस कर लूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, किसको पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्टर करो, एक करो बगरो। एंड रेडबुल स्पॉन्सर करेगा वो, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप प्लान बनाओ। तो ये रहा, इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, राइट से।